प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। अब बारी है एनडीए गठबंधन की। सवाल है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ खड़े होने वाले ओपी राजभर को कितनी सीट मिलने वाली है। सवाल यह भी है कि संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की पार्टी कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी। और इससे भी बड़ा सवाल, जयंत चौधरी के हिस्से में पश्चिमी यूपी की कौन कौन सी सीट आएगी। आज मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। देखिए यह खास रिपोर्ट। ...2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 73 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 64 सीट जीतने वाली एनडीए इस बार 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का प्लान बना रही। लक्ष्य भले बड़ा हो लेकिन एनडीए का दायरा भी बड़ा हो चुका है। 2019 में एनडीए के साथ अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद थे। तब अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस को 2 सीट मिली और संजय निषाद की पार्टी 1 सीट पर लड़ी थी। लेकिन अब पूर्वांचल में ओपी राजभर और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी भी जुड़ गए हैं। सवाल है कि अब एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, जो नए दल साथ में जुड़े हैं उन्हें कितनी सीट मिलेगी। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर आने वाले ओपी राजभर लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट लेकर तैयार बैठे हैं। वो यूपी में 3, बिहार में 2 और न जाने क्या क्या मांग रहे। मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर। राजनीति में सीट मांगने की कोई सीमा नहीं होती और जब सामने ओपी राजभर हो तब तो बिल्कुल ही नहीं। बिहार तो छोड़िए, शुक्र इस बात का है कि उन्होंने दक्षिण भारत में कोई सीट नहीं मांगी। खैर अब ये जानिए बीजेपी ने सीट बंटवारे का क्या प्लान तैयार किया है। यूपी में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को सिर्फ 1 लोकसभा सीट देगी। अब वो राजभर पर निर्भर करता है कि वो कौन सी सीट चाहते हैं। उनके सामने घोसी और गाजीपुर का विकल्प है। अगर गाजीपुर लेते हैं तो यहाँ से बाहुबली ब्रिजेश सिंह को उतार सकते हैं। इसी तरह संजय निषाद की पार्टी को भी 1 सीट ही मिलेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी संजय निषाद के बेटे बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो उन्हें भी इस बार 2 सीट ही मिलेगी। इसमें अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर सीट तो तय है लेकिन दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज होगी या प्रतापगढ़, इस पर मंथन जारी है। जबकि इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे जयंत चौधरी के आरएलडी को भी 2 सीट देने की तैयारी है। इसमें 1 बागपत है और दूसरी बिजनौर। हालांकि बीजेपी के पास अभी अपने सहयोगियों को देने के लिए बहुत कुछ बाकी है। जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह जयंत चौधरी की पार्टी से 1 विधायक को कैबिनेट मंत्री और 1 विधायक को राज्य मंत्री बनाने की चर्चा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।